हाय दोस्तों, द यूनिक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ मैं। हमारा क्लास का नंबर मैंने यहाँ पे देख रखा है 9657141717। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट सम सॉल्व कर रहे थे। ये जो हाफ पार्ट है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। देखिए यहाँ तक ये पहले वीडियो में ऑलरेडी है जो अपलोड हो जाएगा अभी। जो बाकी हाफ पार्ट है यानी जो ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी का ग्राफ हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो ये हमारा जो दोनों कोऑर्डिनेट का बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए कॉपी करके रखा है। अब हमको सिर्फ प्लॉट करना है। प्लॉटिंग कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये है 0.6। तो याद रहे पहला जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे 6 यहाँ पे है। तो हमारा पॉइंट 0.6 यही पे होगा। ये है हमारा 0.6। इसके साथ थोड़ा सा एनसर्कल कर लो, यहाँ पे लिख लीजिए 0.6। ओके, तो ये है 5.1। 5.1 कहाँ पे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस पे 5 देखेंगे, वाई एक्सिस पे 1। एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ पे है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे है। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखिए ये छोटा सा प्रोजेक्टरी लाइन है जो आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलता है, लेकिन पहली बार बता रहा हूँ तो आपको सब बता दूंगा मैं बेसिक्स। ध्यान से देखिए फिर से एक बार। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 1। एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे है। तो 1 से मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन्स। इनफैक्ट ये 5 से भी मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जहाँ पे मिल रहे हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सीधे लाइन खींचना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचना है। यानी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन। ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट होता है 5.1, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट आपका। अब है 6.0। एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 0 है। एक्स एक्सिस पे 6 दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वाई एक्सिस का 0 तो यहीं पे है। तो हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पे 6.0। 6.0, ठीक है दोस्तों। अब ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला। हमको इनको जोड़ना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये जोड़ना विदाउट स्केल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं फिर भी जोड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, आप स्केल से ये पूरा और पेंसिल से ही ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है और मार्क्स भी नहीं मिलते अगर आप पेन से करोगे तो। मेरे पास रिसोर्सेज की वाकई में बहुत ज़्यादा कमी है। कैमरे का स्टैंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक हाथ से मैंने कैमरा थाम के रखा है। अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ऐसा मान लीजिए। अभी ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, फिर भी इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिखना है आपको। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसी के ऊपर लिखूँगा मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, और एक लाइन हमको ड्रॉ करना है जो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो प्लॉट करेंगे हम लोग, 0.-4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4। -4 वाई एक्सिस का कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे है वाई एक्सिस पे -4। देखिए ये पॉइंट है, ये है 0.-4। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5.1। एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ पे है दोस्तों, वाई एक्सिस पे 1, यानी सेम ही पॉइंट है दोस्तों। देखिए 5.1, 5.1 सेम पॉइंट है, तो यही आएगा। दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये सेम पॉइंट है 5.1, ठीक है। लास्ट पॉइंट आखिरी बचा है दोस्तों, 3.-1। एक्स एक्सिस पे 3 देखिए और वाई एक्सिस पे -1 देखिए। देखिए वाई एक्सिस पे -1 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने डिवाइस किया था, ये परपेंडिकुलर लाइन से एक्स एक्सिस से 3 का परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ये मिल रहा है यहाँ पे, तो ये रहा 3.-1, ठीक है। अब बस इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। जोड़ना फिर से एक बार थोड़ा सा अलग है, लाइक पास तीनों पॉइंट से ये लाइन पास होती है तो अच्छे से जोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सेफली ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो स्पॉइल ना हो पाए।
ठीक है दोस्तों, ये तो बच गया मैं यहाँ से, ये यहाँ पे से स्केल हो तो आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिखना मत भूलिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, कहीं पे भी लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। अब हमारा क्वेश्चन है वो फिर से एक बार पढ़ेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया भाई हम लोग ने, सॉल्व करना है, कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। सॉल्व करना है यानी एक्स और वाई का वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो एक्स और वाई का वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करके, ये ग्राफ जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट्स आपको लिखना है। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट्स क्या है इसके, एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वाई सॉरी फाइव, और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ दी लाइन्स एक्स कमा वाई करस्पॉन्ड्स टू, कौन सा है, फाइव, एक्स एक्सिस पे फाइव है और वाई एक्सिस पे कौन है दोस्तों, वन। तो ये है फाइव कमा वन, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू फाइव और वाई इज इक्वल टू वन। ये है आपका ग्राफिकल रेजोल्यूशन आंसर का, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली बोला है, तो हम लोग ने ग्राफिकली आंसर निकाल दिया, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट निकालना है सर, ठीक है दोस्तों। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।